लॉजिस्टिक्स के बारे में है। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल। इट मीन्स फाइंडिंग रिप्यूटेबल सप्लायर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ गुड प्राइस। ये आपको क्वालिटी प्रोडक्ट और सप्लायर, आपने रेप्यूटेबल सप्लायर कैसे फाइंड करना है वो मैं क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। लॉजिस्टिक में आ जाता है, उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ज़रूरी है। जब भी आप पहला ऑर्डर कर रहे होते हैं तो सैंपल चेक करने के बाद भी आपको चाहिए कि आप पहली दफ़ा जब आप ऑर्डर करें तो थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं। ये टर्म्स हैं, ऑब्लिगेशन हैं, चार्जेस हैं। ये जो जैसा कि मैंने बताया AXW, ये आपका जो बायर है, सेलर यहीं तक आपका जिम्मेदार है। ड्यूटी डिलीवरी पेड में ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको पता चलता है जिसमें सप्लायर ने कौन कौन से काम करने हैं और बायर ने कौन कौन से काम करने हैं। बायर जो है वो इसमें है, सप्लायर जो है वो इसमें है। तो बायर ब्लू में है, ये सप्लायर है। तो EXW में ये होता है कि EXW में सिर्फ उन्होंने आपको पैक बना के प्रोडक्ट पैकेजिंग करके वहीं पे रख दिया। आगे आपका सारा काम होता है उसे सारी चीज़ें उसे पैक आगे लेके जाना अपने मखसूस जो एड्रेस है अमेजोन का वहाँ तक, और FCA में पैकेजिंग। बाकी सारे सरदर्द आगे जो हैं वो चार्जेस वगैरह और इंश्योरेंस वगैरह, लैंडिंग ऑन, ये सारी चीज़ें, फ्राइट जो कॉस्ट है, असल तो फ्राइट में आके थोड़ा सा इशू होता है। और जब आप क्लियर ड्यूटी और ये क्लियरेंस होती है ना आपकी टैक्सेस की, वहाँ ये चीज़ आपको थोड़ा सा इशू करती है। बाकी कोई यहाँ पे शिपिंग और फ्राइट फॉरवर्ड ये सारी चीज़ें इशू नहीं होती। ड्यूटी पे आपको जहाँ पे ये चीज़ आके आप फंस जाते हैं, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। जो आपने सर्विसेज लेनी है, इसलिए हमने कहा हुआ है कि या FOB लें, वो आपको शिप तक पहुँचा देता है आपको। और आगे आपका फ्राइट फॉरवर्ड, अब जब लेंगे ना सप्लायर से, आप सिर्फ लेते हैं FOB, और आगे आप ले लेते हैं अपने उसे फ्राइट फॉरवर्ड से। तो फ्राइट फॉरवर्ड जब आप लेते हैं तो उसे कहते हैं कि मुझे DDP प्राइस चाहिए। DDP प्राइस ये होती है कि DAP भी आपने नहीं लेनी, आपने DDP लेनी है सप्लायर से, चाहे आप FOB या EXW ले लें। EXW इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये अपनी जो फैक्ट्री है ना उसी से उठाना पड़ता है। FOB ये होता है कि वो आपको पोर्ट तक, आपकी जो है ना पोर्ट तक भेज देता है, पोर्ट से आपका सप्लायर, आपका जो फ्राइट फॉरवर्ड है वो उठा लेता है। और जो DDP है, DDP से ये होता है कि आप कोई सरदर्दी नहीं होती, वो आपके वेयर हाउस तक पहुंच जाती है। और DAP में ये होता है कि आपने क्लियरेंस खुद करवानी होती है, और क्लियरेंस आपने नहीं, क्लियरेंस में जाना ही नहीं है। और DAP में ये है कि क्लियरेंस करवा के आपने फिर खुद पहुंचानी होती है, आगे जब पहुंच जाती है उस तक, आप पोर्ट तक, जो आपकी मार्केट है, टारगेटिंग मार्केट है। ये सारा चार्ट शायद आपको अब समझ भी आ रहा होगा। तो आपने FOB, अपने जो फ्राइट फॉरवर्ड वो आपकी जो अपनी पोर्ट, मैंने होप आपको समझ आ गई होगी। DDP, FOB और EXW, ये तीन ही टर्म्स जो हैं वो मैक्सिमम यूज़ होती हैं इस फील्ड में। तो आपने इन पे ही फोकस करना है जब आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो परफॉर्मा इनवाइस होती है और बिल ऑफ लेंडिंग होती है और कमर्शियल इनवाइस होती है, उसमें पैकिंग लिस्ट होती है, ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो रिलीज्ड आपका होता है उसका वो डिलेक्स रिलीज होती है, वो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, जब आप फाइनलाइज कर लेते हैं ऑर्डर और उसके बाद जब आपका जो सप्लायर है वो शिप कर देता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे प्रोवाइड करने। मास्टर कर्टन जो है वो, क्योंकि अमेजोन जो है वो जो वेट होगा आपके कर्टन का वो 25 kg तक अलाउ करता है, मास्टर कर्टन की बात कर रहा हूँ, और जो डायमेंशन होती है मास्टर कर्टन की वो 25 × 25 × 25 इंचज होती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रा जहन में रख के उनसे निगोशिएट करना है। FBA फीसेज हैं, ये मैंने लिंक आपके साथ, मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा जहाँ से आप जाके FBA फीसेज देख सकते हैं। ये USA की लिंक मैंने लगाए हुए हैं और रेफरल फी भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप जब प्रोडक्ट एक फाइंड करते हैं ना, ये मैंने एक छोटा सा ऐसे डेमो लगा दिया था आपको दिखाने के लिए कि FBA फी चार्ट कैसा होता है। ये लिंक में जब आप जाएंगे तो इसमें फी चार्ट आ जाएगा, रेफरल फी भी उसका भी चार्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएंगी। आपने सिंपली जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो मैं कैलकुलेट आपको अभी करके दिखाऊंगा, आपने जाके वहाँ पे कैलकुलेट करना है, वहाँ पे आपकी FBA फी भी आ जाएगी, रेफरल फी भी आ जाएगी, शिपिंग, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप ये UK के
अमेजोन एफबीए और रेफरल फी हैं। ये कैलकुलेटर है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जाके करके। इसका एक्शन प्लान वो अब आपको समझ आ गया होगा होपफुली। आपने एज अ गेस्ट चले जाना है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये आप एक हम प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं, फर्ज करें ये हमारा है, इसका हम सिंपली जाके ना एसन, ये एक यहाँ पे आपका एसन होता है, ये डीपी स्लैश के बाद ये आपका एसन होता है, और एक आप एसन देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा जाके इस जगह पे, आप ये एसन आ गया, एक इस जगह पे आपके एसन होता है, ये ढूंढना पड़ता है। और सबसे आसान जगह ये है कि डीपी के स्लैश के बाद ये दरमियान में है ना, ये आपका एसन है। ठीक हो गया, ये सिंपली आप एज अ गेस्ट गए और आपने ये एसन पुट कर दिया और एंटर कर दिया, ये चार्ट पूरा आपके सामने आ गया। ठीक हो गया, इसमें जाके आपने ऐसा करना है कि आपने जाके उसकी प्राइस देखनी है, जैसे इसकी प्राइस थी मेरे ख्याल में 9.99 प्राइस थी। हम जो सोर्स कर रहे हैं, हमने इमेजिन कर लिया कि हमें ये शिपिंग कॉस्ट के बाद ये $2.5 का एक पीस पड़ेगा, तो हमने दोनों के चार्जेस चेक करना चाहे हम, क्योंकि मर्चेंट के नहीं करते, लेकिन आपका अगर आपका कस्टमर कहता है क्लाइंट कि मैंने मर्चेंट के देख करना है, तो फिर आप मर्चेंट का देखेंगे, दोनों का देखेंगे। 2.5 फर्ज करें हमें इसकी लैंडिंग कॉस्ट पड़ी है, सारी फीसेस डाल के, हर शिपिंग डाल के, हर चीज़ डाल के फर्ज करें हमें ये इसकी कॉस्ट पड़ी है, सिंपली कैलकुलेट पे दबाना है तो ये इसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। अगर हम कर रहे हैं इसका फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट बाय, हम खुद अगर इसको फुलफिल कर रहे हैं तो ये हमें देगा 62.96% प्रॉफिट मार्जिन। अगर इसको अमेजोन फुलफिल कर रहा है तो इसका हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 27.33%। अगर हमें ये लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है विद फीसेस डाल के, हर चीज़ डाल के, प्रोडक्शन चार्ज, पैकेजिंग, लोगो, हर चीज़ डाल के, लेकिन इससे ये प्रोडक्ट कम पड़ेगा, जब हम निगोसिएशन करने जाएंगे तो ये हमें कम पड़ेगा, इससे ये सारी चीज़ें इसमें बता देता है। ये आपने बेशक ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, बल्कि आपने जाके सिंपली चेक भी कर लेना है। ठीक हो गया, चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है, कि एक डर होता है जब शुरू में जाते हैं कि मैं न्यू हूँ तो मैं कैसे डील करूँगा, ये चीज़ें आपने जहन से निकाल देनी है, ऐसे उससे बात करनी है जैसे आप इस फील्ड में सदियों से हैं, और सैंपल कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि वो स्किप करेंगे सैंपल तो वो कोई और चीज़ ही भेज दें आपको, क्या पता कि कौन सी चीज़ आपने ऑर्डर की थी और कौन सी चीज़ क्वालिटी उसने ऑर्डर की थी और कौन सी क्वालिटी उसने आपके पास भेज दी। तो आपने क्वालिटी मैच ज़रूर करना है सैंपल मंगवाने के बाद, क्योंकि ये मैंने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने, जब आपका चाहे वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपने अमेजोन पे नहीं बेचने देना अपने क्लाइंट को। पैकेजिंग के टाइप्स हैं, उसमें पोली बैग्स है, ओप बैग्स है, ब्राउन बॉक्स है, कवर बॉक्स है, तो ब्लिस्टर पैकेजिंग है, ये सारी पैकेजिंग जो है वो आपने जब प्रोडक्ट अपना कंपेटिटर का मंगवाएंगे ना, तो कोशिश करनी है आपने उससे अच्छी पैकेजिंग प्रोवाइड करें, तो जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी तो उतना आपको उस अपने कंपेटिटर के लिहाज से फ़ायदा होगा। निगोसिएशंस जो आपने ट्रेड टर्म्स पे करनी है, वो प्रोडक्शन लीड टाइम है जो मैंने पहले भी डिस्कस करनी, मोड ऑफ पेमेंट है, और ये पेमेंट टर्म्स है जिसमें आपने 30% एडवांस देना है और 70% जो है वो डिलीवरी के बाद आपने उन्हें पे करना है, और मोड ऑफ शिपमेंट उससे डिस्कस कर लेनी है कि कौन सी है। और अगर इंस्पेक्शन जब आप करवाएंगे और आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में फेल हो जाता है, जो आपका सप्लायर है, तो वो आपने ये चीज़ डिस्कस करनी है उससे कि वो मुझे अपनी मनी जो है वो बैक देगा। वो जब आप अलीबाबा डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा भी वो लिख दे ना, तो फिर वो अलीबाबा उसका खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि आपने ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पैसे भेजने हैं तो अलीबाबा उसका क्लेम कर देता है पैसे। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट रिटर्न डैमेजेस ये क्लेम आपने करनी है 2% से कम हो, और उस अगर नहीं होता तो उस पर पेनल्टी इम्पोज आर डिस्प्यूट विद अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपने उसके साथ डिस्कस कर लेनी है अपनी सप्लायर के साथ, ताकि आपकी जो कन्वर्सेशन है उसमें ये आ जाए, आपकी कन्वर्सेशन आपका सप्लायर डिलीट नहीं कर सकता। ये सप्लायर मैनेजर रिलेशनशिप है,
अपने लॉन्ग टर्म के लिए जब आप एक प्रोडक्ट आपका क्लाइंट चल जाता है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने उसके साथ रिलेशन बना लेना है। वो जो सप्लायर है तो फिर आपको डिफरेंट चीज़ें बताता रहता है। बाद मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा जो सप्लायर था, पहली जो मैंने दो इन्वेंट्रीज ली थी वो मैंने एक जो प्राइस पहली इन्वेंट्री पे थी या बाद दूसरी इन्वेंट्री पे थी उतनी थी, लेकिन उनके यहाँ जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो उनकी प्राइस कम हो गई थी जो उस फैक्ट्री में आ रहा था रॉ मटेरियल। तो जो मेरा उस वक्त सप्लायर था या जिससे मैं बात कर रहा था एजेंट से, उसने मेरी जो नेक्स्ट थर्ड इन्वेंट्री थी मेरे उसकी क्लाइंट की, उसने मुझे वो प्राइस कम कर दी, खुद ब खुद कम कर दी। मैंने उससे कोई इस बारे में बात नहीं की लेकिन उसने खुद ब खुद कम कर दी। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, उसने मुझे कहा कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस जो कॉस्ट है वो कम हो गया, इसलिए मैं आपको ये फेवर दे रहा हूँ। तो ये आप गुड रिलेशन जब एक बिल्ड करते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें आपके आती है, और ये निगोशिएट तो करना है पर फ्लेक्सिबल रहना है। ये सारी चीज़ें बी एम्प्लॉयर बी प्रोफेशनल एथिकल, ये सारी वो कम्युनिकेशन, ये आपके अपने जो गट्स हैं उससे ये चीज़ें पता चलती हैं। और पेमेंट शेड्यूल ये सबसे ज़रूरी है कि आपने पेमेंट शेड्यूल फॉलो करना है और डिलेज से अवॉइड करना है, डिलेज से बिल्कुल अवॉइड करना है। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है।